और भाजपा द्वारा आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा के दौरान पार्टी की नेत्री दीपा दास के साथ उनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा गलत व्यवहार किए जाने के बाद महिला नेत्री ने जमकर हंगामा काटा। बताते चले कि जहां भाजपा महिला सम्मान का दम भरती हो, आज उसी भाजपा में एक महिला के साथ उसके ही कार्यकर्ताओं द्वारा किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही धमकी देने का काम भी किया गया। तो कहा कि भाजपा पार्टी में दलालों का बोलबाला सर चढ़कर बोल रहा है और कैसे सांसद का नाम बेचकर धमकाने का काम किया जा रहा है। आइए भाजपा नेत्री दीपा दास की जुबानी ही हम आपको सुनवाते हैं। क्या करते पार्टी में? ये सही बोल रहा, गलत नहीं बोल रहा। भाजपा ऐसा नहीं चलता, भाजपा दलाल का पार्टी नहीं है, संगठन में हम लोग है, संगठन के हिसाब से हम अपना पार्टी चलाते हैं। यहाँ कुछ दलाल संगठन चले और आगे भी चले, नहीं लोग खाएगा सांसद कहाँ चुप रहेगा, बोलेगा ना। बीजेपी में महिला नहीं, सॉरी मेन कमेटी में जिला मंत्री है, हम यहाँ का प्रभारी भी है, 5 साल हम यहाँ संभाले। आज यहाँ जो भी हुआ कुछ दलाल ही उसका ही बनाया, संगठन के हिसाब से कुछ नहीं चला। आज क्या हुआ मैडम, क्या हुआ आज क्या? और अब मेरे ऊपर अमर साहब और एक देवाशीष काली पार्टी का, हमारे माइथल मंडल की है, हमारे ऊपर चढ़ के जैसे कि मुझे मारेंगे इस तरह से व्यवहार करने लगे। और भी लोग थे बहुत कोई, हम उनसे बोले कि देखिए पहले चिरकुंडा को सम्मान करेंगे, उसके बाद सब मंडल सम्मान करेंगे, एक एक करके पूरा मेरे ऊपर हावी हो गया। अभी हम गमछा देने गया सांसद जी को, उनको धक्का धुक्की कर दिए, छीना चाहे, मतलब एक लेडीज के साथ सब होना नहीं चाहिए, हम यहाँ का प्रभारी है। आपके साथ कौन धक्का मुक्की किया? अमर साहब और देवाशीष पूरा उल्टा सीधा व्यवहार किया पार्टी में, जो बहुत ही शर्म वाली बात है। और सांसद जी का नाम ले लेके ये लोग ये सब कर रहे हैं कि सांसद फुल पावर दिया है, क्या महिला को धक्का देने के लिए पावर दिया है तुमको? आज यहाँ सांसद थे इसलिए हमने चुप रहे, नहीं तो वही पटक की छाती चीर देते हैं, महिला के इतना पावर होता है। ये जानकर सांसद को दिए थे, सांसद को दिए थे? सांसद देखिए आए हैं, उनको उनके लोगों को बता दिया कि देखिए ऐसा ऐसा मेरे साथ कर रहा है, अरे लोग पूरा चुनाव इस तरह से कर...